वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रेमो। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एचआईवी की जांच कितने दिन बाद करवाना चाहिए। दोस्तों ये डिपेंड करता है एचआईवी के विंडो पीरियड पे। विंडो पीरियड डिपेंड करता है कि आपको कब इन्फेक्शन हुआ है और वायरस ने कब अपना काम शुरू कर दिया है, वायरस कब पॉजिटिव आएगा, जिसको मैंने आगे एक्सप्लेन किया है। सो यदि आप 3 सप्ताह के बाद टेस्ट करवाते हैं तो लगभग 85% केसेस का पता चल जाता है कि व्यक्ति को एचआईवी है कि नहीं है। यदि आप ये टेस्ट 6 सप्ताह बाद करवाएंगे तो लगभग 95% केसेस में पता चल जाता है कि व्यक्ति को एचआईवी है कि नहीं है। उसके अलावा यदि आप 12 सप्ताह बाद मतलब 3 महीने बाद ये टेस्ट करवाते हैं तो 100 में से 99% लोगों को ये पता चल जाता है, कंफर्म हो जाता है कि उनको एचआईवी है कि नहीं है। और यदि आप ये 6 महीने बाद टेस्ट करवाते हैं तो लगभग 100% केसेस का पता चल जाता है कि एचआईवी है कि नहीं है। तो आप कहेंगे बेस्ट टाइम क्या होता है? तो बेस्ट टाइम होता है कि 12 हफ्ते से लेकर 24 हफ्ते के बीच में यदि आप टेस्ट करवाएंगे, मतलब 3 से 6 महीने के बाद अगर आप टेस्ट करवाएंगे तो लगभग 99 से 100% केसेस का ये पता चल जाता है कि व्यक्ति को है कि नहीं है। तो उसके लिए आप पहला टेस्ट कौन सा करवाएंगे? जैसा मैंने अन्य वीडियो में बताया है, इसके लिए पहला टेस्ट होता है एचआईवी एंटीबॉडी टेस्ट बाय एलाइजा। ये टेस्ट आप जो है इन्फेक्शन के लगभग 3 से 24 सप्ताह के दौरान करवा सकते हैं। इस टेस्ट को अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे कि एचआईवी स्क्रीनिंग टेस्ट, एचआईवी एलाइजा टेस्ट, एचआईवी सीरोलॉजी टेस्ट एंड एचआईवी 1 एंड 2 एंटीबॉडी या एंटीजन टेस्ट के नाम से भी इसको हम जानते हैं। इस टेस्ट की जो कॉस्ट होती है, मार्केट मूल्य लगभग 300 रुपए से लेकर 600 रुपए के बीच में होता है। और इस टेस्ट के लिए नॉर्मल ब्लड सैंपल, खून का सैंपल की जरूरत होती है। आप नजदीकी अपने किसी भी लैब से ये करवा सकते हैं। उसके बाद आपको एक टेस्ट और करवाना होता है कंफर्म करने के लिए। इस टेस्ट का नाम होता है एचआईवी एंटीबॉडी टेस्ट बाय वेस्टर्न ब्लॉट। ये जो होता है, अगर आपका एचआईवी एलाइजा टेस्ट पॉजिटिव आता है उसके बाद, या फिर एचआईवी एलाइजा टेस्ट नेगेटिव आता है बट आपको अगर लगता है कि कंफर्म करना है तो आप कंफर्म कर सकते हैं एचआईवी एंटीबॉडी टेस्ट बाय वेस्टर्न ब्लॉट। और अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब होता है व्यक्ति को एचआईवी है, अगर नेगेटिव आता है तो मतलब एचआईवी नहीं है। ये कंफर्म करता है ये टेस्ट। यदि आप चाहें 6 सप्ताह से पहले कौन सा टेस्ट करवाएं तो उसके लिए 2 टेस्ट होते हैं, एचआईवी आरएनए पीसीआर भी आप करवा सकते हैं और P24 एंटीजन। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आते हैं तो इसका मतलब होता है आपको एचआईवी है, और नेगेटिव आते हैं तो आपको कम से कम 6 हफ्ते से 24 हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको फिर से एचआईवी एलाइजा टेस्ट और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट करवाना पड़ेगा कंफर्म करने के लिए एचआईवी है कि नहीं है। जैसा आप जानते हैं एचआईवी कैसे फैलता है, तो ऐसा एचआईवी जो होता है असुरक्षित यौन संबंध से, उसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट से, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कोई अंग प्रत्यारोपण, इंजेक्शन के जरिए या मां से बच्चे को भी गर्भावस्था के दौरान यह फैल सकता है। इसके जो शुरुआती लक्षण होते हैं स्टेज 1 में सर दर्द, बुखार, गले में खराश, सूखी खांसी, किसी चीज से एलर्जी, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी दस्त वगैरह, ये इसके शुरुआती लक्षण होते हैं। उसके अलावा महिलाओं में योनि से खून आना भी कॉमन बात होती है। इसी स्टेज 2 के अगर हम लक्षण की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि स्किन से लेकर मुंह और त्वचा की समस्याएं होती हैं, त्वचा पे अल्सर होता है, रंग बदल सकता है, हाथ या गर्दन में दर्द होता है, गर्दन में जो लिम्फ नोड्स होती हैं वो सूजन हो सकती है, उसमें व्यक्ति का वजन घटता है, रात को पसीना आता है। उसके अलावा व्यक्ति को दूसरी अन्य बीमारी भी हो सकती हैं, जैसे कि टीबी, हर्पीस या कैंसर वगैरह भी। सो इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलें। विद दिस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हेल्थ रेमो।